ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी तेजिंदर सिंह बट्टू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने तेजिंदर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनकी ज्वाइनिंग विनोद तावड़े ने करवाई। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी कार्यालय में अश्विनी वैष्णव, सुशील कुमार और रिंकू और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। इसके अलावा चौधरी करमजीत कौर ने भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि कमरजीत कौर कांग्रेस के टिकट पर जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि मौजूदा समय में वह कांग्रेस से नाराज बताई जा रही थी। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल भी मौजूद रहे। तेजिंदर सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए। बता दें कि पंजाब के जालंधर के रहने वाले तेजिंदर सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी में पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो लंबे वक्त के लिए राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन साल 2017 में जब कांग्रेस ने पंजाब की सत्ता में वापसी की तो उन्हें चेयरमैन बनाया गया था, जिससे उन्होंने राजनीति में री एंट्री की थी। कांग्रेस के बारे में बहुत इमोशनल हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मतलब ऐसे छोड़ना पड़ा कि वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए। और मैं आपको बताऊँ कि 35 साल इस पार्टी में मैंने लगाए हैं, तकरीबन 35 साल लगा लिए इस पार्टी में। और आज मेरे को लगता है कि वो जो मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी, और मैं खिलाफ नहीं किसी से बोलना चाहता, मैं इतना टाइम इस पार्टी में उसमें गुजारा है, तो मैंने पंजाब के भले के लिए सोचा और मैंने ये भारतीय जनता पार्टी जो है। मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं, बीजेपी मैंने सारा स्टडी किया है, मैंने PhD होल्डर हूं मैं, और मैं मास्टर इन लॉ किया है, मैं सारा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। आज पंजाब में अगर कोई सही अल्टरनेटिव है जो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए जो पार्ट प्ले कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, और इनकी जो तिकड़ी है, जो इन तीनों की, उसमें पंजाब का भला होने जा रहा है। मैं आपको ये पक्की बात कह रहा हूँ, और पंजाब के लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि वो एक बार मोदी जी की लीडरशिप पे आस्था रखें, तो आने वाला समय बड़ा सुनहरी युग